जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की संपूर्ण पूजन विधि एवं शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का बहुत अधिक महत्व है। इसी पावन दिन भगवान विष्णु 4 माह के बाद योग निद्रा से उठते हैं। इसी दिन से मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इस एकादशी को देव उठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का बहुत अधिक महत्व होता है। इसी पावन दिन भगवान विष्णु 4 माह के बाद योग निद्रा से उठते हैं। इसी दिन से मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के दिन ही किया जाता है। इस साल 23 नवंबर को तुलसी विवाह है। इसी दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाएगा। शुभ मुहूर्त है एकादशी तिथि प्रारंभ 22 नवंबर 2023 को रात 11:03 से। एकादशी तिथि समाप्त 23 नवंबर 2023 को रात्रि 9:01 पर। तुलसी विवाह पूजा विधि। व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की आराधना करें। अब भगवान विष्णु के सामने दीप धूप जलाएं, फिर उन्हें फल फूल और भोग अर्पित करें। मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी जरूर अर्पित करनी चाहिए। शाम को विष्णु जी की आराधना करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूर्व संध्या को व्रती को सिर्फ सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रत के दौरान अन्न का सेवन नहीं किया जाता। व्रत खोलने के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। तुलसी विवाह की सामग्री लिस्ट है। पूजा में मूली, शकरकंद, सिंघाड़ा, आंवला, बेर, सीताफल, अमरूद और अन्य ऋतु फल चढ़ाए जाते हैं। तुलसी पूजा में लगाएं। ये चीजें देव उठनी एकादशी पर पूजा स्थल में गन्नों से मंडप सजाया जाता है। उसके नीचे भगवान विष्णु की प्रतिमा विराजमान कर मंत्रों से भगवान विष्णु को जगाने के लिए पूजा की जाती है। तुलसी विवाह में इन बातों का भी रखें ध्यान। हर सुहागन स्त्री को तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूजा के समय माँ तुलसी को सुहाग का सामान और लाल चुनरी जरूर चढ़ाएं। गमले में शालिग्राम को साथ रखें और तिल चढ़ाएं। तुलसी और शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक लगाएं। पूजा के बाद किसी भी चीज के साथ 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। मिठाई और प्रसाद का भोग लगाएं। मुख्य आहार के साथ ग्रहण और वितरण करें। पूजा खत्म होने पर शाम को भगवान विष्णु से जागने का आवाहन करें। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति विधि विधान से तुलसी विवाह का आयोजन करता है, उसके वैवाहिक जीवन की दिक्कतें दूर होती हैं और रिश्तों में प्यार और मिठास बढ़ती है। आपको बताते हैं कि तुलसी विवाह के दिन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। तुलसी विवाह करते समय सभी महिलाएं गठबंधन के लिए लाल चुनरी और पीला कपड़ा ही लें। इसके अलावा वह किसी अन्य कलर के वस्त्र का इस्तेमाल न करें। वहीं
भगवान विष्णु की छवि के चारों ओर पीला भाग और तुलसी के पौधे पर लाल भाग रखें। वहीं पूजा के समय अपने हाथों में अक्षत लेकर दक्षिण की ओर खड़ा होकर यह अक्षत भगवान विष्णु को अर्पित करें। इस बात का खास ध्यान रखें कि तुलसी विवाह के दिन तुलसी पर जल ना चढ़ाएं। इस दिन देवी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। वहीं सभी महिलाओं को तुलसी जी के विवाह में तिल का उपयोग करना चाहिए। माता तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा हो उसमें शालिग्राम भगवान को रखकर तिल चढ़ाना चाहिए। वही तुलसी विवाह के दौरान तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। सभी महिलाओं को तुलसी जी के विवाह में तिल का उपयोग करना चाहिए। माता तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा हो भगवान को रखकर तिल चढ़ाना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रह सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।